आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बने विपक्षी गठबंधन को अब सबसे बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन अब नहीं होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सपा और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से दो टूक कह दिया है कि जो 17 सीटें कांग्रेस ने मांगी थी वो दे दी है। अब आगे गठबंधन रखे या न रखे ये कांग्रेस पर निर्भर है। इसके बाद कांग्रेस नेतृत्व में बैकफुट पर आते हुए बातचीत जारी रखने की बात कही है। सोमवार को समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत अब 17 सीटों पर कांग्रेस को अपने प्रत्याशी उतारने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले सपा ने कांग्रेस को 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसे लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी शुरू हो गई थी। लेकिन बीते सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए 17 लोकसभा सीटें छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, कैसरगंज, वाराणसी, अमरोहा, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, हाथरस, झांसी, महाराजगंज और बागपत की सीट दी थी। वही कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की तरफ से 17 सीटों का प्रस्ताव मिला है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। मालूम रहे कि इससे पहले 11 सीटों का प्रस्ताव देने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने असंतोष जता दिया था, जिसके बाद से समाजवादी पार्टी ने नए सिरे से सीटों का चयन कर सूची कांग्रेस के नेतृत्व को भेजी थी। वही समाजवादी पार्टी ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी थी, जिसमें मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक, आंवला से नीरज मौर्य, शाहजहांपुर से राजेश कश्यप, हरदोई से उषा वर्मा, मिश्रिख से रामपाल राजवंशी, मोहनलालगंज से आरके चौधरी, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल और बहराइच से रमेश गौतम, गोंडा से श्रेय वर्मा, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और चंदौली से वीरेंद्र सिंह को उम्मीदवार घोषित किया था। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे सीट शेयरिंग के मामले को लेकर के सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी जबरदस्त टिप्पणी की है। ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है सुनिए। गठबंधन लोगों का इंडिया गठबंधन हुआ, विरोधियों का जब गोल बनी तो दो दिन बाद से ही मैंने दो लाइन कहना शुरू किया दोहा कि विपक्षियों ने ठाना है 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट करके। कई लोग सटे उस गठबंधन से, नीतीश जी चले गए पहले तो नीतीश जी ने छुच्ची खोल दिया, हवा निकल गई। उसके बाद जैन जी चले गए, अभी और लोग जा रहे हैं। तो ये लोग सट करके सेवा कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो हट करके, जैसे आपने चर्चा किया अखिलेश जी का, अखिलेश जी हट करके सेवा करने वाले हैं, ये अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। ये दिल्ली से गवर्न हो रहे हैं ना, ये दिल्ली भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय कार्यालय से गवर्न हो रहे हैं। इस नाते इनके ड्रामा अब तक इंडिया गठबंधन में इनके ड्रामे को खाली सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं वहां से गवर्न हो रहे हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा क्या कांग्रेस अब 17 सीटों पर मानती है या और भी सीटों की डिमांड करती है। अगर ऐसा होता है तो शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन को लेकर के वो ना रहे। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।